नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर मैं आपके साथ एक फ्लोर प्लान के बारे में चर्चा करना चाहूँगा मेरे पास एक क्लाइंट का फ्लोर प्लान आया है जो कि वो परचेज कर चुके हैं फ्लोर प्लान की जो एंट्रेंस है यानी इस फ्लॉट में जो एंट्रेंस बनती है एक तो एंट्रेंस साउथ ईस्ट की बनती है और दूसरी एंट्रेंस बनती है साउथ वेस्ट की यानी जो मेन एंट्रेंस है जो मेन फ्रंट है वो साउथ ईस्ट का है और नीचे का हिस्सा सारा स्टिल्ट पार्किंग बनाया हुआ है स्टेयर्स और जो लिफ्ट बनाई हुई है वो नॉर्थ ईस्ट जोन में यहाँ पर स्टेयर्स और लिफ्ट है जो कि एज पर वास्तु नॉर्थ ईस्ट में स्टेस और लेफ्ट नहीं आनी चाहिए जिसे वास्तुशास्त्र में सबसे ज़्यादा गलत माना गया है क्या, क्या क्या कमी है इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा फिर उसके बाद इनकी सभी की रेमेडी बताऊंगा क्योंकि आप ये फ्लोर ले चुके हैं और इस फ्लोर के अंदर आपने शिफ्ट होना है आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इस फ्लोर को आज चेंज कर पाए जब तक आप इस फ्लोर में रहेंगे तो आपको ये ये रेमेडीज ज़रूर कर लेनी चाहिए सबसे पहले तो जो स्टेर्स और लिफ्ट है ये एज पर वास्तु नॉर्थ ईस्ट में अच्छी नहीं मानी जाती इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दिखाई गई है ये टॉयलेट भी गलत है बेडरूम दिखाया गया है ईस्ट में और उसमें जो बेल्ट लगा हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट वॉल पर लगा हुआ है ये भी अच्छा नहीं है किचन साउथ साउथ ईस्ट जोन में दिखाई गई है और किचन के अंदर जो बर्नर दिखाया गया है वो साउथ वेस्ट की ओर फेस करते हुए दिखाया गया है ये भी गलत है बैल्कनी साउथ ईस्ट में दिखाई गई है स्टोर दिखाया गया है अब इसके बाद मेन गेट से एंट्री करते ही ड्राइंग डाइनिंग एरिया दिखाया गया है इसी के साथ में साउथ वेस्ट की ओर एक टॉयलेट दिखाया गया है जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है एक बेडरूम वेस्ट कॉर्नर में दिखाया गया है और एक बेडरूम नॉर्थ कॉर्नर में दिखाया गया है यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की ओर दिखाया गया है ये इस बेडरूम के अंदर बेड की डायरेक्शन गलत है इसमें ग्रेसिंग एरिया दिखाया गया है ग्रेसिंग एरिया बिल्कुल सही है और यहाँ पर एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की ओर टॉयलेट दिखाई गई है और बैक साइड में यानी नॉर्थ वेस्ट में बैलकनी भी दिखाई गई है ये भी सही है अब मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि आपने अपने इस फ्लोर के अंदर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए क्या क्या काम सही करने चाहिए सबसे पहले तो जो आपकी अपनी एंट्रेंस है यहाँ पर आपने लाइट लगानी है रोशनी करनी है इस एरिए के अंदर भरपूर रोशनी होनी चाहिए अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट जोन में बनी हुई है यहाँ पर छत के ऊपर जो मोमटी बनी हुई है उसके अंदर जो डोर लगा हुआ है उस डोर के अंदर एक जाली वाली विंडो ज़रूर लगाए वहाँ से हवा और रोशनी पूरी क्रॉस होनी चाहिए ऐसा करने से जो स्टेट नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है इसका दोष काफी हद तक कम हो जाएगा यहाँ पर यानी डोर के आगे आपने एक डोर लगाना है जो कि आपका ब्लू कलर का होना चाहिए लिफ्ट के साथ में एक छोटी सी शाफ्ट दिखाई गई है इस शाफ्ट में जो विंडो है इस विंडो को आपने रूटीन में ओपन रखना है यहाँ से भी हवा और रोशनी आएगी तो जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेज बनी हुई है इसका दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा अब गेट से एंट्री करते ही आपकी सीटिंग जोन दिखाई गई है जो कि साउथ वेस्ट जोन में है ये सीटिंग जोन आपकी बिल्कुल सही है और यहाँ पर डाइनिंग टेबल दिखाई गई है ये भी बिल्कुल सही है इसमें आपने करना क्या है जो आपकी अपनी डाइनिंग टेबल आएगी ये डाइनिंग टेबल आपकी स्टोन की होनी चाहिए डाइनिंग टेबल का टॉप ग्लास का नहीं होना चाहिए इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है इसी के साथ जो आपकी अपनी विंडो दिखाई गई है कहाँ पर साउथ वेस्ट जोन में इन विंडो को कम से कम खोलना है और इनके ऊपर एक थिक मोटे वाला क्रीम कलर का कर्टन लगाना है मंदिर साउथ वेस्ट जोन में दिखाया गया है ये मंदिर अच्छा नहीं है यहाँ से आपने अपने मंदिर को हटाना है मंदिर आपने लगाना है तो मंदिर आप अपने यहाँ जो ड्रेसिंग एरिया बनाया गया है यहाँ पर आप अपना मंदिर बना सकते हैं आधे में आप अपना मंदिर बनाएं और आधे में आपके अपना ड्रेसिंग एरिया बन जाएगा ये आपका अपना मंदिर बन जाएगा और ये आपका ड्रेसिंग हॉल बनेगा अब बात करते हैं यहाँ पर लिफ्ट के साथ में टीवी दिखाया गया है टी बिल्कुल सही है इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दिखाई गई जो कि बिल्कुल गलत है जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं पोर्ट को हटाएं। और इसमें सिर्फ नहाने के लिए इस वॉशरूम को इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा लेकिन ध्यान रखना है जो आपका ये वॉशरूम है ये आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए आपका जो बेडरूम ईस्ट कॉर्नर में दिखाया गया है यहाँ पर जो बेड नॉर्थ ईस्ट वॉल पर लगा हुआ है इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है बेड आप अपना यहाँ पर साउथ वॉल पर साउथ वेस्ट की ओर लेके आए पैर आपके सोते समय नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाएंगे यहाँ पर सामने आपका अपना टीवी आ जाएगा क्या आ जाएगा टीवी वी यहाँ पर चलेगी आपकी ये विंडो आउटडोर बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है इसमें बालकनी भी आपकी बिल्कुल सही है लेकिन ध्यान रखना है इस बालकनी के अंदर पानी का कोई भी काम आपने नहीं करना है कहां पर साउथ ईस्ट जोन में पानी का कोई भी काम नहीं करना है अब बात करते हैं हम किचन की किचन आपकी बिल्कुल सही है लेकिन किचन के अंदर आपने करना क्या है नॉर्थ वॉल पर आपका अपना सिंक आएगा और यहाँ पर आपके अपने स्लैब आ जाएगी जो खाना बनाते समय फेस साउथ वेस्ट की ओर हो रहा है वो फेस आपका साउथ ईस्ट की ओर खाना बनाते हुए होना चाहिए ऐसा करने से आपकी किचन बिल्कुल सही हो जाएगी और किचन से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो आप यहाँ से बना सकते हैं किचन में जो स्टोर दिखाया गया स्टोर का रास्ता आप बाहर से यहाँ से एंट्रेंस बनाए ऐसा करने से आपकी किचन बिल्कुल सही हो जाएगी और एक बात का ध्यान रखना है आप अपने किचन को रेड कलर में पिंक कलर में पीच कलर में बेज कलर में बनाएंगे तो यह किचन आपको हमेशा ही फायदा देगी किस चीज में फायदा देगी हेल्थ में और वेल्थ में अब बात करते हैं हम टॉयलेट की यह टॉयलेट साउथ वेस्ट जोन की ओर दिखाया गया है जो कि ज्यादा अच्छा नहीं होता इस टॉयलेट को आप वेस्ट कॉर्नर में इस जोन में ला सकते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा यदि आप यहाँ पर टॉयलेट को शिफ्ट नहीं कर सकते तो आप इस टॉयलेट का फ्लोर लेवल क्या फ्लोर लेवल अप करना है किससे रूम के लेवल से ऊंचा होना चाहिए इसमें जो पोर्ट लगानी है वो पोर्ट आपकी यहाँ पर कमोड़ यहाँ पर आ जाए और वॉश बेसिन आपका यहाँ पर आपका वॉश आ वॉशवेश ये शावर एरिया ठीक है आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें वालो भी, भी सही है चलेगी कोई दिक्कत नहीं है अब बात करते हैं बेडरूम की बेडरूम में बेड बिल्कुल सही दिशा में लगा हुआ है यहाँ पर टीवी भी बिल्कुल ठीक है चेयर भी बिल्कुल सही है इस रूम के अंदर भी जो विंडो दिखाई गई है ये विंडो भी आपने मिनिमम ओपन करनी है अब इसके साथ में जो बैलकनी नॉर्थ वेस्ट में दिखाई गई है ये बैल्कनी बिल्कुल सही है एक रूम नॉर्थ में जो दिखाया गया है ये रूम बिल्कुल सही है इसमें बेड की डायरेक्शन आपने चेंज करनी है सोते हुए साउथ में सिर साउथ वेस्ट में सिर और नॉर्थ ईस्ट की ओर पैर होने चाहिए सामने आपका अपना टीवी आएगा यहाँ पर आपका अपना ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा यहाँ पर पूरी कंप्लीट आप अलमीरा भी बना सकते हैं और मिरर जब आपने अपने इसमें ड्रेसिंग एरिया में लगाना है तो वो मिरर आपका यहाँ पर लगना चाहिए कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वॉल पर आपका अपना मिरर आना चाहिए इसी के साथ में अटैच टॉयलेट दिखाई गई है ये टॉयलेट नॉर्थ जोन में दिखाई गई है टॉयलेट बिल्कुल आपकी सही है इसमें यदि आप पोर्ट यहाँ लगा लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस करते हैं तो ये और भी अच्छा होगा और यहाँ पर आप एक हल्का सा पार्टीशन देकर यहाँ आप अपना वॉश बेसिन लगाए यहाँ से आपका अपना शावर में जाने का रास्ता हो जाएगा और शावर आपका बिल्कुल सही है एरिया बिल्कुल सही है इस प्रकार आप अपने इस फ्लैट के अंदर -छोट तो आपने तो कम कम आपके यहाँ जो नुकसान होने हैं वो नुकसान होने बंद हो जाएंगे सिर्फ आपने ये छोटे छोटे उपाय हर हालत में अपने यहाँ जरूर करने हैं मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आपको देता रहता हूँ आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं नया फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या नया फ्लोर खरीदने जा रहे हैं तो आप अपनी साइट का मैप फ्लोर भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और आप अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसे मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार